रांची जिला काके प्रखंड सुकुरहुटू पंचायत की मुंडा टोली गांव की आदिवासी लड़की के साथ पिछले साल बलात्कार की घटना घटी, लेकिन पुलिस उस बलात्कारी को गिरफ्तार ना करके पुनीता के परिवार वालों को विभिन्न तरीके से परेशान किया गया। केस अभी जारी है। दरवाजा खुला खुल जाए ले एक साइड कर दरवाजा ढेकला ले खुल जाए ले केस उस कर ले सको थाना उतना थाना अथिये नहीं। एक दिन और रोड में बोल रहा कि रोड चलने नहीं देंगे कहीं। का डिलीवरी का टाइम नज़दीक था, प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। 29 तारीख को उनको सीजीरियन हुआ, ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और 30 तारीख को 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। पुनीता कौड़िया ना ही अरेस्ट किया जा रहा है लड़का को। चौथा क्लास में पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते कहाँ पढ़ते वो यही सब कांड हो गए। तो मिट्टी देवे भी गाँव बचती कर पूरा मल्ला कर कोई ने। बलात्कार जिस लड़की के साथ होता है उनके साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाती है। झारखंड में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2005 में 753 एवं अप्रैल से नवंबर 2011 तक 552 केस दर्ज है। थाना वालों ने भी कुछ नहीं किया, ना महिला थाना ने, ना कांके थाना ने, एसपी ने कुछ नहीं किया। तू सर न्याय और बर्बाद करवा थू लड़की के, तू कने कर रहो बिहारी और आए के ईसन उसन कर लो और फिर करतो तो के हम आए छोड़ब यहाँ तो इन्हें मदद करा। आज भी हमारे आदिवासी बहु बेटियों के साथ शारीरिक शोषण जारी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे समुदाय के बुद्धिजीवी लोग इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करें और कानून के रक्षक बलात्कारी को शरण ना दे, सख्त सजा दे ताकि मासूम बहु बेटियों पर कभी नजर ना डाल सके। मैं प्रियशिला बेसरा रांची झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।